दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में विधिवत बताऊंगा। तो भारतीय ऐतिहासिक कालीन जो चित्रकला है, इससे पहले मैं प्राग ऐतिहासिक कालीन से स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद एलोरा, अजंता, इन सभी से सारा वीडियो A1 स्टेप टू स्टेप करके बताता चला जा रहा हूँ। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे करिए वैसे करिए, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी ऐसे ही लेक्चर आप सुनते रहे, क्योंकि ये स्टेप टू स्टेप है। यानी जैसे आपको तैयारी करना है उस हिसाब से हर वीडियो को देखते रहिए, स्टेप टू स्टेप वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसीलिए बना रहा हूँ कि आप स्टेप टू स्टेप देखते रहेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पूरे चित्रकला के इतिहास की, पूरे चित्रकला की जानकारी की। तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि जब तक कोई भी ये वैकेंसी नहीं आ रही, तब तक मैं ऐसे ही चलता रहेगा, और जब वैकेंसी नई आ जाएगी तो मैं अच्छे से मेहनत करके आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और एक तरफ से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और एक तरफ से अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। और मेरा 100% टारगेट रहेगा कि जितने लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे उनका सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि मैं इस लेवल पे तैयारी करवाऊंगा कि जैसे आप जीरो से लेके आपको हाई लेवल तक कैसे पहुँचना है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो पुराने क्वेश्चन बहुत कम रिपीट किए जाते हैं, केवल 10% पुराने क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। ऐसा नहीं है कहीं बाहर से पूछता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग रहता है। और मैं जब तरीका अपना बदल देता हूँ तो आपको लगता है कि ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, या इनका थोड़ा सा समझाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बस इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखते रहिए। जितने भी वीडियो मैं देख आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सबको स्टेप टू स्टेप एक बार मन लगा के बढ़िया से सुनिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, मैंने ईमानदारी से अच्छे से आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं इसका, बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। कम से कम लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है कि हाँ, इन्होंने इतने लोगों ने लाइक किया तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसमें मैं आपको भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आइए, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्रम जो है होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो शैलियों में सबसे ज़्यादा जो हुआ, सबसे पहले जो शैली आई वो मौर्य शैली, मौर्य काल से स्टार्ट होता है मौर्य शैली, जिसमें फिर उसके बाद सुंग, उसके बाद कुषाण, उसके बाद गुप्त। तो गुप्त में, गुप्त काल को जिस कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ काल, तो पहले आया मौर्य काल, उसके बाद सुंग काल, उसके बाद कुषाण काल, उसके बाद गुप्त काल। ये शैलियों का सही कालानुक्रम है, माने सही क्रम है। और आप देखेंगे कि इसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे मौर्य काल से स्टार्ट होता है, मौर्य काल, सुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो आपको गुप्त काल के बारे में मैं विधिवत बताऊंगा, क्योंकि यही गुप्त काल जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और गुप्त काल में ही भारतीय इतिहास का जो है, इसमें जो मूर्तिकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था और मंदिरों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है, अगर ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप यही बताएंगे कि सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में स्थित है, अशोकीय स्तंभ सिंह सिर से, यानी जिस जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। ये KBS में क्वेश्चन पूछा गया है सन 2018 में। आगे क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी भारत में सुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे, तो पुष्यमित्र जो थे वो थे पूर्वी भारत में सुंग साम्राज्य के संस्थापक, और गांधार जो है स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित था। गांधार शैली जो है वह स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित था। अब पूछा जाता है कि किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था, तो अशोक ने
धर्म और दर्शन का दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किए थे। ठीक है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सन 2018 में ये पूछा गया है DSSB में। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, PGT सन 2010 में भी पूछा है और TGT सन 2016 में भी पूछा था कि अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो आप जानते हैं कि मय नामक शिल्पकार द्वारा। पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा थी। सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय न होने पर श्री रामचंद्र जी ने मय नामक शिल्पीकार से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था। तो सोचिए कि श्री रामचंद्र जी के समय से ही यह शिल्पकार यानी कला थी। उससे पहले जब कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो वहीं से कला का उद्गम हुआ। सृष्टि का निर्माण ही कला है ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, आप जैसा कि यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कला क्या है। अगर यहाँ पे बात चलिए तो हम पूरी जीवन कला के बारे में अपनी अभिव्यक्ति देते रहे, अपने विचार प्रकट करते रहे तो कम है, कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि कला के इतने रूप हैं, इतने प्रकार हैं, इतनी व्याख्या है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो ये जो है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार लोमेश ऋषि की गुफा में पाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2016 में भी पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षु के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने गया के निकट, यानी गया जो है बिहार में है, गया के निकट बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। यह तथ्य दोनों जगहों से प्राप्त गुफा लेखों से प्राप्त होता है और बराबर की पहाड़ियों में दो गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं। सुंदर गुफाओं में सुदामा गुहा तथा लोमेश गुफा। ये गुफा पर्णशालाओं की शैली से निर्मित है। लोमेश ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार जो है उत्कीर्ण शिल्प के अलंकरण से अलंकृत है। नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुफा की विशाल और उत्कृष्ट उदाहरण है और इसकी दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण जो हुआ सम्राट दशरथ की आज्ञा से किया गया था। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि दशावतार विष्णु के अवतरण का सही क्रम लिखिए। तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, अगर चार, ज़्यादा से ज़्यादा चार ऑप्शन देते हैं, चार देता है तो चार सेट में पहले मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। अब जो ये विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हुआ है तो उसमें मत्स्य पुराण में मिलता है ये 10 अवतारों, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख जो मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि विष्णु भगवान के यानी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार इस प्रकार है, मत्स्य पुराण, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति संग्रहित है। 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित विश्वरूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है। विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नरसिंह का मुख है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे
आप इस वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक करेंगे तो लाइक करने से मुझे थोड़ा आपका हेल्प मिलता है, मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए या और अच्छे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप जब मेरा सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। हालांकि इंटरेस्ट है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।